Hello students, hi everyone, welcome to Learning Commerce. Today I am back with the multiple choice question series and today we are with issue of shares. आपको पता है MCQ topic आपके लिए कितने important होते चले जा रहे हैं. आपने मेरा issue of shares का पूरा chapter आपने मेरी video देखी होगी. नहीं देखी है तो पहले issue of shares के chapter को पूरी तरह समझो और अगर आप समझ चुके हो तो आज ये multiple choice questions का जो topic है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है. तो आज मैं आपको इसके issue of shares के इसको theoretical part के कराऊंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके न्यूमेरिकल्स का भी एमसीक्यू कराऊंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इश्यू ऑफ शेयर्स एमसीक्यू एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, कंपनी हैज अ डैश सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव. कंपनी के जो फीचर्स में आता है उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल मानते हैं कि हाँ उसकी अलग से पहचान है. ओनरशिप और कंपनी दो अलग चीजें हैं. परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी में मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज फॉर एवर. और लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी तीनों ही फीचर्स यहां पर कंपनी के अवेलेबल हैं. तो कंपनी हैज ऑल द फीचर्स. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन डी. सेकंड क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी या नन ऑफ दिस. शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी क्योंकि वो मेंबर्स हैं, ऑनर्स हैं, कस्टमर्स या क्रेडिटर्स नहीं होते. नंबर थ्री, लायबिलिटी जो अभी हमने पढ़ा था, कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल या फ्लक्चुएटिंग. बिल्कुल लिमिटेड. दे अगर कोई कंपनी को नुकसान होता है तो वो उनका जो हिस्सा बनता है शेयर देने का सिर्फ वहीं तक की लायबिलिटी लिमिटेड है. अनलिमिटेड लायबिलिटी में यहां पर कंपनी में किसी मेंबर की नहीं होती. देन लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड टू, कितनी लायबिलिटी लिमिटेड? हमने बात तो कर ली कि लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन कितनी? लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम, पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू और रिजर्व प्राइस. मतलब जितना कंपनी ने मांगा है, जितना उन्होंने दिया है या फेस वैल्यू या रिजर्व प्राइस. इसमें जो इनकी लायबिलिटी है ना, ये इनकी फेस वैल्यू तक लिमिटेड है. यानी कि फेस वैल्यू तक जो उन्होंने कहा है कि इतना पैसा तो हम देंगे देंगे, इससे ऊपर कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती. इसका मतलब फेस वैल्यू तक की उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है सभी शेयर होल्डर्स की. मैक्सिमम नंबर एक प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं. अनलिमिटेड जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में नहीं होते. सिक्स क्वेश्चन इज, कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की कैपिटल को डिवाइड करते हैं छोटे यूनिट्स में, क्या बोलते हैं उसको हम? उसको डिबेंचर, शेयर या स्टॉक या बॉन्ड, उसको हम शेयर बोलते हैं. तो कंपनी की कैपिटल डिवाइड होती है यूनिट्स में, व्हिच इज कॉल्ड शेयर. ओके, अगर कंपनी, अच्छा कंपनी जो है वो क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या दोनों या कोई भी नहीं. कंपनी जो है इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है जनरल शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, दोनों. यानी कि सी ऑप्शन आपके लिए इसमें सही है. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कभी भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, आई विल क्लियर योर डाउट. तो कंपनी में इशू बोथ टाइप ऑफ शेयर्स. टू होम डिविडेंड किसको देते हैं? एक फिक्स वे पर. इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो टाइप के शेयर होल्डर्स हो गए. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पर नहीं मिलता. कंपनी के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा. तो डिविडेंड किन लोगों को फिक्स रेट पर मिलता है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का फिक्स जरूर होता है पर वो इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड नहीं होता. यहां पूछा जा रहा है डिविडेंड को. इसी तरीके से विच शेयर होल्डर्स हैव राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड. अगर हम डिविडेंड का कोई एरियर बचा हुआ है तो किन शेयर होल्डर्स को राइट है कि वो मिल सकता है फ्यूचर प्रॉफिट्स में से? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं जो रिडीम हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिनको डिविडेंड के अलावा प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है, लेकिन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला है तो उनको अगले दो तीन साल तक भी ना मिलने के बावजूद उनका एक साथ डिविडेंड दो तीन साल का दिया जा सकता है. ओके, तो ये कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको राइट है कि अगर कोई डिविडेंड बच गया है तो उनको फ्यूचर प्रॉफिट्स में से दिया जा सकता है. नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है? नॉमिनल शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर्स एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच आर कंपनी ऑथराइज्ड टू यूज. नॉमिनल कैपिटल, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी इशू करती है वो तो कहलाते हैं हमारे इशूड कैपिटल, और जो एक्चुअली अप्लाइड करते हैं शेयर होल्डर्स उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जो कैपिटल पे करते हैं शेयर होल्डर्स वो होता है पेड अप कैपिटल. तो दिस इज इशूड कैपिटल, दिस इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड दिस इज पेड अप कैपिटल. बट
नॉमिनल कैपिटल, दूसरा नाम है ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी रेज कर सकती है, जितने शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकते हैं एमओए के हिसाब से, वो कहलाती है हमारी नॉमिनल या ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के बंद होने के बाद ही जिस हिस्से को कंपनी मंगा सकती है उसको क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड, कॉल्ड, अनकॉल्ड या रिजर्व। ऑथराइज्ड तो हो गया जिसके अंदर वो मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है, कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी इस वक्त मंगा रही है, अनकॉल्ड जो भी मंगाए नहीं है, पर रिजर्व कैपिटल ये कैपिटल है जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप पर ही मंगा सकती है और किसी केस में नहीं मंगा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन, हम किसको शेयर कैपिटल में शो नहीं करते, ध्यान रखना ये नॉट शोन है, शोन नहीं है। सब्सक्राइब, इश्यूड, रिजर्व या ऑथराइज्ड, इसमें ऑथराइज्ड, इश्यूड और सब्सक्राइब ये तीनों चीजें हम शेयर कैपिटल की हेडिंग में डालते हैं, लेकिन रिजर्व कैपिटल हम अपने शेयर कैपिटल की हेडिंग में शो नहीं करते। ऑथराइज्ड कैपिटल को कहां मेंशन है, अभी आपको पिछले दो क्वेश्चन पहले बताया था, ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो आपके एमओए के अंदर मेंशन होती है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो ऑथराइज्ड कैपिटल की पूरी जो डिटेल्स होती है वो मेमोरेंडम एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी में इशू द शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बाय कॉन्सेशन फॉर अदर देन कैश। कंपनी प्राइवेट लोगों को बुलाकर प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल ठीक। पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आईपीओ द्वारा इशू कर सकती है, ठीक। और वेंडर्स के थ्रू यानी मशीन या एसेट्स खरीदने के बदले में शेयर्स इशू कर सकती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन है, कंपनी किसी भी फॉर्म में शेयर्स इशू कर सकती है तीनों में से। इशू ऑफ शेयर्स एट प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू से कम पर शेयर्स इशू करती है उसको क्या बोलते हैं, इशू एट लॉस, इशू एट प्रॉफिट, इशू एट डिस्काउंट या इशू एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू से कम पे इशू करती है इसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। नॉर्मली 2013 के आगे बाद डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं होते जो ओरिजिनल शेयर्स हैं, लेकिन हाँ रीइशू करते हुए डिस्काउंट पर शेयर इशू किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना फिक्स किया गया है, यानी जितना भी हम शेयर्स इशू करते हैं उसका कितना कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन लोगों की आनी चाहिए कंपनी के पास, वो 90%। तो 90% से अगर कम सब्सक्रिप्शन लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी का पूरा इस ऑफर का प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाता है और दोबारा टाइम मिलता है इनको इशू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या ऑडिटर्स। शेयर होल्डर्स तो बाद में जब शेयर्स खरीदते हैं वो बनते हैं, और लेकिन जो प्रमोटर्स होते हैं ना ये कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो जो पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स। अब देखो 4000 इक्विटी शेयर्स ₹10 के इशू किए गए 8% प्रीमियम पर टू द प्रमोटर्स, प्रमोटर जो कंपनी शुरू करते हैं, उन प्रमोटर्स को ये 4000 शेयर्स ऑफर किए गए तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को, गुडविल अकाउंट को, या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को, एसपीआर सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व को, या कैश अकाउंट को। जब हम आम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल बैंक को डेबिट करते हैं, लेकिन जब प्रमोटर्स को इशू करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल के नाम से हम चीज को डेबिट करते हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्राइस हायर देन, जब तक फेस वैल्यू से कम पर इशू कर रहे थे डिस्काउंट पर इशू कर रहे थे, लेकिन अगर फेस वैल्यू से हायर प्राइस पर इशू करेंगे तो इशू एट प्रीमियम नॉट प्रॉफिट। देन मैक्सिमम लिमिट, शेयर्स पर कितना मैक्सिमम प्रीमियम लिया जा सकता है, अगर शेयर्स इशू करते तो प्रीमियम कितना हो सकता है, 5%, 10%, 100% या लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी प्रीमियम आप ले सकते हो। कंपनी में अगर रेपुटेशन होगी तो लोग किसी भी प्रीमियम पर शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना, कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पर इशू होगा तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, किसके साथ, जब कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है तो प्रीमियम किस वक्त मिलता है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, या कॉल्स के साथ, या किसी के भी साथ, किसी के भी साथ, एप्लीकेशन के साथ भी ला सकता है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिखा हो तब तो अलॉटमेंट के साथ आता है, लेकिन अदरवाइज कंपनी किसी भी वक्त प्रीमियम का पैसा मांग सकती है अलोंग एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, हम एसपीआर का पैसा, जो पैसा आता है प्रीमियम इशू करने का, उसको कहां यूज कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इशूइंग बोनस शेयर्स या बायबैक। कंपनी इन तीनों ही ऑप्शंस को यूज कर सकती है या यूटिलाइज कर सकती है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को इन पर्पसेस के लिए, अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए भी, और अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए भी ये एसपीआर को यूज किया जा सकता है। मतलब ऑल ऑप्शंस यहां पर मैच करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस जब लोग पैसा नहीं देते हैं तो टेबल एफ के अकॉर्डिंगली कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उनसे, ये चार्ज किया जाता है 10%। तो 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उन लोगों से जो अपने कॉल्स का पैसा
टाइम पर नहीं देते हैं। और इसी टेबल के अकॉर्डिंगली अगर कंपनी कोई एडवांस लेती है, अगर लोगों का पैसा एडवांस आ जाता है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करती है, वो करती है 12%। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर्स पर कंपनी 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट पे करती है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड। कब होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट? जब अंडर सब्सक्रिप्शन होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन, या जब मर्जी चाहे डायरेक्टर्स कर सकते हैं। प्रोरेटा अलॉटमेंट ओनली इज डन व्हेन देयर आर केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं। कंपनी 10,000 इशू कर रही है और लोग 12,000 शेयर अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां पर कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यू के, इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के, जो थ्योरेटिकल बेस थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू कराऊंगा। ओके, तो स्टे कनेक्टेड। अगर आपको आज की इस थ्योरेटिकल एमसीक्यू के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ पूछना है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। आई विल क्लियर योर डाउट्स वेरी डेफिनेटली। ओके, तो स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड। थैंक यू।